आज मैं की वीडियो के माध्यम से मैं अपने फार्मर भाइयों का एक चीज और लाना करना चाहता हूं। जैसे ये फार्मर भाइयों ने के प्यार के कारण ये कंपनी बहुत बड़ी बन गई है, और अगले 31 मार्च तक मैंने ये निश्चय किया है कि हर स्टेट में हमारा एक सर्विस स्टेशन होगा। आप जो मेरे फार्मर हैं उनको ही सर्विस स्टेशन दूंगा। उसके लिए हमने प्रक्रिया जारी की है। आपने हमें लेटर लिख के, प्रॉपर लेटर लिख के भेजना है, अपना नेम एड्रेस पूरा लिख के भेजना है। हर स्टेट में एक एक फार्मर को जहां पे बुला के ट्रेनिंग दी जाएगी, जो हमें अच्छा लगेगा उसको कंपनी में कॉल किया जाएगा और उसको ट्रेनिंग दे के उसको सर्विस स्टेशन अपॉइंट किया जाएगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होगी, और ताकि इसमें दो फायदे होंगे, एक तो मेरे फार्मर को वहीं घर बैठे सर्विस मिलेगी, और दूसरी बात है और उसको रोजगार भी मिलेगा। जो ये लाइन ये कार्य हम 31 जनवरी तक आप हमें रिज्यूम, जिसको इंग्लिश में बायोडाटा बोलते हैं, आप हमें लिख के भेज सकते हैं। उसमें हम कंपनी कॉल करेगी, आपको फोन करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अपना रिज्यूम या बायोडाटा हमारे व्हाट्सएप पे डालें। हमारी जो मैडम टेक्निकली जो हम मीत जी हैं जी देखती हैं, जिन्होंने डिस्पैच करती हैं माल, ये खुद कॉल करके ये बुलाएंगी कम फार्मर को जिसको हमने भी सर्विस स्टेशन अपॉइंट करना देंगे। जैसे कि यूपी, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, ये काफ़ी बड़ी बड़ी स्टेटें हैं। हमने ये निश्चय किया है कि 31 मार्च तक यहाँ पे हम दो दो सर्विस स्टेशन अलॉट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया फार्मिंग मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे पास कई सारे भाई कमेंट कर रहे थे कि ये जो पावर वीडर है इसमें लाइट वाले मॉडल में क्या विशेषताएं होंगी। तो मैंने इनकी पहली वीडियो बनाई थी राजा जी की, उनमें लाइट वाला मॉडल नहीं था। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं लाइट वाला मॉडल, और इसमें बहुत सारे अपग्रेड फीचर्स भी होंगे। तो सर से जानते हैं पूरी जानकारी इसके बारे में। तो सर स्वागत हमारे। नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले आज जो आपने बात की है कि लाइट वाला नहीं था, आज के बाद कंपनी ने निश्चय किया है आज का जो भी मेरे फार्मर के पास वीडर जाएगा लाइट वाला जाएगा। लाइट के बिना कंपनी सेल ही नहीं करेगी। R109 और R107 इसमें लाइट ही लग के आएगी, बिना लाइट के फार्मर को प्रोडक्ट जाएगा नहीं, क्योंकि रात को भी फार्मर ने काम करना होता है। इसलिए हमने ये स्पेशल लाइट का इसमें फीचर दिया है। अब हमने सबसे लेटेस्ट मॉडल जिसमें हमने सेल्फ भी लगाई है, ताकि जो लेडीज को प्रॉब्लम आती थी रस्सी खींचने में, या बुजुर्ग फार्मर को प्रॉब्लम आती थी, अब हम इसमें सेल्फ से ये चाबी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। निजी जरा स्टार्ट करके दिखाएंगे कैसे स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए स्टार्ट हो गया है, ये देखिए बड़ा आसान हो गया है सेल्फ के साथ लग के। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ किसान भाइयों को, सेल्फ की जरूरत ही नहीं है, ये भी बड़े आराम से स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, ये जहां से मैंने ऑन किया और ये चोक लगाई और इसको खींचा, आगे स्टार्ट हो गया। बड़ा आसान है, कोई भी स्टार्ट कर सकता है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है स्टार्ट करने में, आप इसमें सेल्फ लगा सकते हैं। सेल्फ से हमारा मॉडल R109 आप हमसे ले सकते हैं। ये हमारी लेटेस्ट टेक्निक है। इसमें और क्या खासियत है, इसका जो हैंडल है लंबा किया है काफी हमने इन दोनों मॉडलों में R107 और R109 में। इसमें क्या होगा, एक तो जीरो वाइब्रेशन रहेगी, दूसरी फार्मर अगर लगातार 7-8 घंटे चलाएगा मशीन को तो उसको मशीन थकावट महसूस नहीं होगी। ये हमारा लेटेस्ट जो मॉडल है, इसमें हैंडल का ये विशेष ध्यान से रखा गया है। जो फार्मर बोलते थे कि बैठ के चलाना है, आप बैठ के चलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होने वाली। सर, ये सारी विशेषताओं के साथ में और क्या एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें ये और एक्स्ट्रा फीचर हमने ये लगाए हैं, सब में ये टायर लगा दिया है, आगे से टर्न होना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसका स्पेशल एयर क्लीनर जो सैंडी एयर क्लीनर है, इसमें अगर हम कोई भी मिट्टी, हमारे क्या होता है खेत में डस्ट और मिट्टी बहुत उड़ती है, अगर जैसे कि यहाँ पे इसके अंदर मिट्टी भी चली जाएगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और ये इसका, क्योंकि जो ये होता है एयर क्लीनर, एक नाक का काम करता है, हमारे नाक के अंदर मिट्टी जाएगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इसी तरीके से हमारे खेतों में जो डस्ट उठती है, अगर इसके अंदर चली जाएगी इंजन खराब हो जाएगा। अब हमने इसको सैंडी किया है ताकि इसमें कितनी भी मिट्टी चली जाए, इसमें कोई भी इंजन खराब होने वाला नहीं है। और इसके जो मेन फीचर है, जहाँ पे हमने जाली लगाई है ताकि फार्मर को अगर हाथ भी लग जाए सलेंसर के ऊपर तो हाथ जलेगा नहीं। और ये टायर है, ये स्पेशल हमने डिजाइन किए हैं, ये आप ध्यान से देखिए इतना इंच का मोटा है, गुड्डी है, देखिए ध्यान से इसको देखिए, ताकि ये जो टायर भी है ये सालों साल चलते रहें। और जो ये इंजन है, जो इसका आप गियर बॉक्स नीचे से देख रहे हैं, ये वाटर प्रूफ गियर बॉक्स है। जैसे कि धान की खेती करना है, कीचड़ में चलना है, पहले क्या होता था गियर में आगे इंजन में नीचे गियर में तो पानी चला जाता था, अब इसमें पानी नहीं जाएगा। ये दोनों तरफ से हमने इसको प्रॉपर वाटर प्रूफ तैयार करके दिया है, ये ध्यान से देखिए। और हर मशीन के ऊपर ये हमारा लोगो लगा रहेगा,
क्योंकि मार्केट में हमारे नाम से बहुत सारी डुप्लीकेट कंपनियां काम कर रही हैं, हमने उनसे भी बचना है। हर इंजन के ऊपर हमारा जो नाम है इंग्रेव रहेगा जी। आप ध्यान से मेरे फार्मर भाइयों को जरूर दिखाइए, ये इधर देखिए जी, प्रोफेसर इसके साथ में मैं जानना चाहूंगा कि आपने मिट्टी डाल के भी दिखाया एक लेनर के अंदर, जी जी जी, तो इसकी सफाई में मतलब जो मेंटेनेंस होता है जिसके बाद में सफाई करनी पड़ती है, उसका टाइम पीरियड बढ़ा है या उसी टाइम पे साफ करना है? देखिए जो एयर क्लीनर है हमने क्या करना है, जैसे हमने 8 घंटे लगातार मशीन को चलाया, शाम को क्या करना है, इस जो एयर क्लीनर है जहां से खोलेंगे हम, इसको हवा डालेंगे और इसको एयर क्लीनर को साफ कर लेंगे हवा से और इसको फिर वैसे ही लगा देंगे, ताकि हमारा जो इंजन में अंदर मिट्टी जा ही ना सके। और मेन जो विशेषता है और इसमें जो हैंडल है, जैसे कि ये हमने खोला और ये पीछे चला गया, इसका क्या मतलब है? मेन इसका मेन मतलब है पीछे, जैसे इसके यहाँ पे पीटीओ शाफ्ट लगी हुई है, इसमें हम रिपर चला सकते हैं, ये वाटर पंप ये लगा हुआ है, वाटर पंप चला सकते हैं, स्प्रे पंप चला सकते हैं, आप कोई भी पीटीओ का यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा रिपर लगा हुआ है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसी पीटीओ के शाफ्ट के साथ, ये रिपर लगा हुआ है 3 फीट का, इसके साथ आप रिपर चला सकते हैं, बड़े आराम से चला सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो बड़ा से बड़ा ट्रैक्टर काम नहीं कर पाता, वो अब इसी छोटे से मैं काम करवा के दिखाऊंगा अपने फार्मर को। इसी ट्रैक्टर से आप कोई भी कैसा भी काम कर सकते हैं, अपनी ट्रॉली भी चला सकते हैं, धान की खेती कर सकते हैं, कल्टीवेशन का काम कर सकते हैं, जहां पे पत्थर है वहां पे ये स्पेशल हमारा स्टोन रिमूवर पड़ा है, इससे आप स्टोन अपने पत्थर निकाल के खेती कर सकते हैं और खेती का काम अब बहुत आसान हो गया है। और एक आपके चैनल के माध्यम से आज एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, जो भी फार्मर है मेरा, उसको या किसी को अब शहर में जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठ के अपने गांव में बैठ के अपना खुद का काम कर सकते हैं और अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं दूसरों का काम करके। क्या होता है शहर में लोग जाते हैं, भड़कते हैं, उनको ना रहने की जगह मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो कमाई होती है अगर नौकरी करते हैं 8 से 10 हज़ार रुपये मिलता है। अगर आप छोटी सी पूंजी लगा के अपने घर पे काम करेंगे या फार्मिंग करेंगे, एक तो आप अच्छा काम आ पाएंगे और दूसरों का भी काम करके आपको अच्छी इनकम 50-60 हज़ार भी आप आराम से एक महीने में कमा सकते हैं। पर लेकिन उसके लिए शर्त है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो सर 1 घंटे में कितनी कैपेसिटी है इसकी? भाई साहब पहले तो मैं इसकी फ्यूल कंजम्पशन बताऊंगा इसकी, कि 1 घंटे में जो ये है 700 ml फ्यूल कंजम्पशन करता है, और जो निराई गड़ाई है वो डिपेंड करता है सॉयल के ऊपर, सॉयल कैसी है उसके लिए मैं प्रॉपर नहीं कर पाऊंगा, कहाँ पे कई जगह पे पानी लगा होता है, कई जगह पे हार्ड मिट्टी है या कई जगह पे बालू मिट्टी है, उसके लिए जमीन के सॉयल के ऊपर डिपेंड करता है ये 1 घंटे में कितने। जो फार्मरों का मेरे पास आउटपुट आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि मेरे फार्मर 1-1.5 घंटे में 1 एकड़ आराम से ये कर देता है। तो सर ये एक्चुअल में बड़े किसानों के भी काम आ सकता है या छोटे जो सब्जी वगैरह होते हैं जिसके पास 2-4 एकड़ जमीन है उसी में काम करता है? भाई साहब बड़े से बड़ा किसान भी इसको यूज कर सकता है, छोटे से छोटा किसान भी यूज कर सकता है। आप एक फार्मिंग के लिए नेसेसिटी बन गई है, क्योंकि जो ये छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं ये अब घंटों का काम मिनटों में करने के लिए इसमें क्षमता है। भाई साहब जो ये हमारा R107 मॉडल है, इसकी जो कीमत है 48,000 रुपये है, और इसके साथ हम 2 अटैचमेंट फ्री दे रहे हैं, जैसे ये साइड प्लो, कल्टीवेटर, डबल प्लो और लेवलर, इसमें से आप 2 अटैचमेंट कोई भी आप ले सकते हैं। और अगर आपने सेल्फ वाला जो हमारा R109 मॉडल है इसका कोई फार्मर लेना चाहता है, इसका आपको 6,000 रुपये अलग से देना पड़ेगा और डिलीवरी हम आपके घर तक फ्री देंगे। लेने के लिए मेरा फ़ोन नंबर है 9815940212, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9815940212, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। अगर फ़ोन ना उठा पाएँ तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मंगाने का तरीका 2 तरीके हैं, आप मेरी कंपनी में आइए जहाँ पे रहने का पूरा प्रबंध किया गया है फार्मर के लिए, और जहाँ पे हम ट्रेनिंग भी देते हैं, चला के भी दिखाते हैं कैसे फार्मर चलाना है। फिर भी जो फार्मर नहीं आ सकता उसके लिए है, हम ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, उसके लिए आपको 5,000 पहले कंपनी के अकाउंट में डलवाना पड़ेगा। जब आपके प्रदेश में मशीन कोरियर के लास्ट लोकेशन पे पहुंच जाएगी तब आपको पैकी का पैसा डलवाना पड़ेगा, तब मशीन को हम उसको मेल करेंगे कोरियर वाले को, फिर वो मशीन आपके घर तक छोड़ के आएगा। सर मैं इतने दूर से लगभग 450 किलोमीटर दूर आपके पास चल के आया हूँ, तो क्या और संभावनाएं हैं मेरे व्यूअर्स अगर आपसे आपकी मशीन खरीदते हैं तो और छूट की कुछ?
भाई साहब पहले ही मैंने रेट सबसे कम रखा हिंदुस्तान में ताकि मेरे फार्मर आसानी से परचेज कर सकें, पर आप आए हैं, आपने बोला मैं किसी का भी किसी को मना नहीं करता, आपके जो भी व्यूअर आपकी वीडियो का मुझे स्क्रीनशॉट भेजेगा उसके लिए मैं स्पेशल 2000 रुपये का और स्पेशल डिस्काउंट दूंगा, यही मॉडल मैं 46000 में 2 अटैचमेंटों के साथ दूंगा मैं अब, लेकिन शर्त यह है कि उसको आपका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे मेरे व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा, उसको ये 2000 रुपये का स्पेशल डिस्काउंट। मैं कमलदीप सिंह सरहंद डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब तो आया है, मैंने यहाँ आके देखा है ये गन्ने के लिए जो मशीन लेने आया था ये बहुत ही बेटर है, ये मिट्टी बहुत अच्छी लगाती है, इसको लेबर की कोई लोड नहीं, बहुत बढ़िया चीज़ है। भाई साहब आप कितने एकड़ में खेती करते हैं? मैं 70 एकड़ में खेती करता हूँ, मेरे पास 20 एकड़ गन्ना है। और जो जैसे आपने 20 एकड़ गन्ना बोला है, क्या ये 20 एकड़ में ये मशीन काम कर पाएगी? ये मैंने देखा है, इसको लेबर की कोई लोड नहीं, 20 एकड़ में ये मिट्टी लगाने को गुड़ाई करने में बहुत बढ़िया। शुक्रिया भाई साहब आप आने का, आप मेरी फतेहगढ़ से आए मशीन लेने के लिए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।